भक्तामर का छठवां नंबर काव्य आपके बीच में। बीज वृक्ष की आधारशिला है, नींव महल की आधारशिला है, संस्कार देना है तो गर्भ में दो, इसी कारण तो तुम्हें मां का नाम मिला है। इस काव्य को गर्भ संस्कार काव्य कहते हैं, जिसे आज बुद्धि विकास काव्य के नाम से जाना जाता है। सिक्स नंबर काव्य, सिक्स नंबर काव्य को गर्भ संस्कार क्यों कहा? क्योंकि सिक्स बनता है इस प्रकार से, अर्थात बच्चा मां के गर्भ में सिक्स मुद्रा में पड़ा रहता है कि हे मां, बस मुझे संस्कारों से फिक्स कर दो। तो मैं चाहता हूं कि जो गर्भवती मां है वह सिक्स नंबर काव्य को संस्कारों के साथ पढ़े, आत्मीयता के साथ पढ़े, आत्म जागृति के साथ पढ़े, यही विचार के साथ पढ़े कि मेरे गर्भ में एक और आत्मा संस्कारों के साथ संसार को देखना चाहती है। तो पहले हम इस काव्य को शुद्ध करते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलामा यः कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। आचार्य मानकुंभ स्वामी इस काव्य में बताते हैं, मैं चाहता हूं पहले आप इसके सुदीर्घ को समझें। अल्प श्रुतम नहीं, अल्प श्रुतम श्रुतवता परिहास धाम त्वर भक्ति रीव मुखरी ख ख खरगोश का तो मुखरी कोकिला किल मधु मधुरम विरौति रौ की औ की मात्रा तच्चाम्र चारुकलिका निकरैकहेतु। बहुत सरल काव्य है, बड़े आत्मीयता के साथ पहले इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर मानते हैं समय कितना भोलापन, कितनी सरलता, अहंकार से परे कहते अल्प श्रुतम, मैं अल्पज्ञ हूं, श्रुतवतां परिहास धाम विद्वान के द्वारा हंसी का पात्र भी बन पा, लेकिन क्या करूं, त्वत भक्ति देव मुखरी कुरुते बलामां, आपकी भक्ति ही मुझे जबरदस्ती बोलने के लिए मजबूर कर रही है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से कोयल मधु बसंत ऋतु में मधुर मधुर कुहु 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 करती है, क्यों करती है, किस कारण करती है, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैकहेतु। जैसे ही वह कोयल आम्र मंजरी को देखती है, अभी उसने आम नहीं देखे, आम्र मंजरी को देखते ही वह कुहु 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 करती है, उसकी कुहु कुहु में आम्र मंजरी ही हेतु है, बसंत ऋतु ही हेतु है, चैत्र का महीना ही हेतु है। यहाँ आचार्य अंतिम समय कहते हैं कि पंचम काल है, चैत्र के महीने में ही ऋषभ देव भी आए, महावीर स्वामी भी आए, राम भी आए, हनुमान भी आए और आम भी आया। यह आम दो तीर्थंकरों के आने का संदेश देता है, आज से आदिनाथ होता है और वहां से महावीर भगवान होता है, दोनों के आने की सूचना ये आम देता है। और इस काव्य में कहा है कि पंचम काल में आप जब कभी संत के पास जाना तो अल्पज्ञ बन के जाना, समझदार बन के नहीं जाना, ये सोचना नहीं कि पंचम काल के संत हैं। याद रखना, कोयल किसे देख के कुहू कुहू करती है, सिर्फ आम्र मंजरी को देख करके करती है, उसमें भी आम नहीं आए, सिर्फ आम्र मंजरी को देखा कुहू कुहू करना प्रारंभ कर दिया। अरे आज दिगंबर साधु आपके लिए आम्र मंजरी हैं,
इन्हें देख करके नमोस्तु 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 करोगे तो कल आपको इस दिगंबर स्वरूप में ही आदिनाथ भगवान के दर्शन हो जाएंगे और आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ये बात सिक्स नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपके बीच पर रखी है। मैं चाहता हूँ आप इस काव्य को आत्मसात करें और अपने बच्चों में यह काव्य कंठस्थ करें, लेकिन शुद्ध का ध्यान रखना। और शुद्ध कराओगे आपको पाप लगेगा। और इसका बहुत सुंदर मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण आप लोग करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिणम्। आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपका सौभाग्य है। जो बच्चे बाहर खेलने जाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे, आज वह तुम्हारे साथ हैं। क्यों ना सिक्स नंबर काव्य के साथ अपने आगे के संस्कारों को फिक्स कर रहे हैं, जिससे यह बच्चा कल तुम्हारे कान में यह सिक्स नंबर काव्य सुना करके आपका स्वर्ग और आपके आगे का रास्ता भी फिक्स कर सके। इसी पूरी भावनाओं के साथ आप सभी को हमारा इस काव्य को सुनने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भक्तांबर से संबंधित आपके पास अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर 6205053838 पर हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव स्वयं वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या फिर राइटिंग में आपको देंगे। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर 6205053838 पर SMS या WhatsApp करें। जय जिनेन्द्र।